अरे प्रधानमंत्री हैं, तमाम तरह के काम होते हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, हमारा नौकर है। अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, घंटे भर में न्याय कर दूंगा। भारत का प्रधानमंत्री बना दो, 5 मिनट में अपराधी को तिहाड़ जेल भेज दूंगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये बेटियां यहां से उठेंगी नहीं। और अपराधियों को बचा रहा है भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री। मोदी की मशीन कानों की सुनने की कहां गिर गई है, मुझे थोड़ा ही पता। तो भारत में संविधान है कहां, लोकतंत्र है कहां? किंग जोंग का राज चल रहा है, और किंग जोंग के राज में जो आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा। और जेल क्रांतिकारियों की ससुराल है, बिना शादी के ससुराल देखना, यही तो क्रांतिकारियों का सौभाग्य होता है। और बेटी बचाओ और इन दरिंदों के सामने पेश कर दो, इसके लिए बेटी बचाएं। किसानों का हत्यारा अजय टेनी, उसकी बराबर में बैठा। बेटियों का शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह, उसकी बराबर में बैठा है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ हरिंदर ताऊ हैं। लगातार जो शोषण है पहलवानों का हुआ, उसके समर्थन में लोग आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है, कब तक न्याय मिल जाएगा बेटियों को? देखिए, मैं यहाँ जज तो हूँ नहीं। हाँ, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, घंटे भर में न्याय कर दूंगा। भारत का प्रधानमंत्री बना दो, 5 मिनट में अपराधी को तिहाड़ जेल भेज दूंगा। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से महिला आयोग की अध्यक्ष को अरेस्ट कर ली पुलिस, उसके बावजूद तमाम तरह की चीजें हो रही हैं इन पहलवानों के साथ, क्या लग रहा है? तो क्या हो गया, जेल? क्रांतिकारी जेल जाते हैं और अपराधी घर में सोते हैं। तो भारत में संविधान है कहाँ, लोकतंत्र है कहाँ? किंग जोंग का राज चल रहा है, और किंग जोंग के राज में जो आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा। और जेल क्रांतिकारियों की ससुराल है, तो हमारी तो ससुराल है। बिना शादी के ससुराल देखना, यही तो क्रांतिकारियों का सौभाग्य होता है। क्या लग रहा है, कब तक बैठी रहेंगी ये बेटियां जंतर मंतर पे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये बेटियां यहां से उठेंगी नहीं। और अपराधियों को बचा रहा है भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री। कैसे है? कैसे कैसे? अरे अपराधी को बराबर में बैठा रखा, और कैसे? और कैसे? ब्रजभूषण का बयान है, कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे मैं यही तो मैं बात कर रहा हूँ, तुमने कह दी। मैंने कहा ना कि क्यों बचा रहा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपराधी को, कहता क्यों नहीं? इसका मतलब अपराधी के साथ देने वाला भी अपराधी होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी, वो भी अपराध में शामिल हैं, अपराधी है। तो क्या लग रहा है, लगातार जिस तरह से ये प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, तो इस प्रकार से क्यों नहीं मोदी जी सुन रहे हैं? अब बहरा वो है, मशीन उसकी कहाँ गिर गई है, मुझे थोड़ा ही पता। भाई मोदी की मशीन कानों की सुनने की कहाँ गिर गई है, मुझे थोड़ा ही पता, ये तो उसे पता होगा। हम अपनी आवाज यहाँ से उठा रहे हैं, और बेटियों की सम्मान में पूरा देश मैदान में। बीजेपी का नारा चुरा रहे हैं, बीजेपी कहती है कि बेटियों के सम्मान में, भाजपा मैदान में। मैं 2 और 2 4 कह रहा हूँ, मोदी से कहलवाओ 2 और 2 4 नहीं होते, वो 5 कह के दिखावे, तो उसके बाप का आए हो। बीजेपी का नारा है, बीजेपी का नारा 2014 के बाद ही ये नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा ईमान, महिलाओं का सम्मान। और बेटी बचाओ और इन दरिंदों के सामने पेश कर दो, इसके लिए बेटी बचाएं, इसके लिए बेटी पढ़ाएं। वो कहता था कि मैं जाता नहीं हूँ, ड्रोन भेज करके पता कर लेता हूँ देश के अंदर। आज वो ड्रोन का तेल खत्म हो गया, उसके घर के नीचे बैठे हैं, पूरा देश आवाज उठा रहा है, उसकी सुनाई नहीं दे रही। अरे प्रधानमंत्री हैं, तमाम तरह के काम। प्रधानमंत्री नहीं है, हमारा नौकर है, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, भारत का नौकर है। बिना मतलब प्रधानमंत्री करते हो। प्रधानमंत्री होता तो इन बेटियों की बात नहीं सुनता। अडानी अंबानी का नौकर है, चौकीदार है, अडानी अंबानी का दलाल है, इसलिए बेटियों की बात नहीं सुन रहा। अपराधियों का दलाल है, इसलिए बेटियों की बात नहीं सुन रहा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर आप। मैं आरोप क्या कह रहा, आप दलाल कह रहे हैं। और दलाल है नहीं, अगर मेरे बराबर में दलाल बैठेगा तो मैं भी दलाल हूँ, मेरे बराबर में अपराधी बैठेगा तो मैं भी अपराधी हूँ। किसानों का हत्यारा अजय टेनी, उसकी बराबर में बैठा। बेटियों का शोषण करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह, उसकी बराबर में बैठा है। तो आप है नहीं अपराधी।
क्या कहेंगे आप? अपराधी है, जेल में डालना चाहिए अपराधी को, जल्दी से जल्दी सरकार ने सुननी चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, पहलवान बैठे रोड पर, इनकी समस्या हल करो मोदी सरकार, नहीं तो अपराधी है वो। तो हम देख सकते हैं साफ तौर पे अब किसानों का भी समर्थन मिलने लगा है, लगातार ये लोग प्रदर्शन जारी रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप खबरों में देखेंगे स्वाति मालीवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया था, ये आई थी हाल जानने के लिए, लेकिन वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को ही डिटेन कर लिया गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।